अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महाबलीपुरम वाली कूटनीति का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की कल महाबलीपुरम में मुलाकात होने वाली है। करीब डेढ़ वर्ष पहले आपको याद होगा वर्ष 2018 में चीन के वुहान में मोदी और शी जिनपिंग के बीच पहली अनौपचारिक बैठक हुई थी और उसका दूसरा अध्याय अब महाबलीपुरम में शुरू होगा। अनौपचारिक बैठक का मतलब यह होता है कि इसका कोई एजेंडा या कोई लक्ष्य पहले से तय नहीं होता, इसलिए दोनों जो नेता होते हैं वो खुलकर आपसी बातचीत करते हैं, किसी एजेंडे से बंधे हुए नहीं होते। अक्सर किसी मुद्दे पर सहमति बनाने में दो देशों के अधिकारियों को काफी समय लग जाता है, लेकिन दो राष्ट्र अध्यक्ष ऐसी अनौपचारिक मुलाकात में ऐसे मसलों पर कई बार तुरंत फैसला ले सकते हैं। आप ऐसी अनौपचारिक बैठकों को भारतीय विदेश नीति की एक नई रणनीति भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच इस अनौपचारिक बैठक को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। पहला सवाल है, इस मुलाकात का एजेंडा और मुद्दे क्या होंगे? क्या दोनों देशों के संबंध मोदी फैक्टर की वजह से बेहतर होंगे? क्या चीन और भारत अब पहले से और ज्यादा करीब आएंगे? दूसरा सवाल, क्या इस मुलाकात में कश्मीर और पाकिस्तान पर भी बात होगी? तीसरा सवाल, भारत और चीन की सदियों पुराने संबंधों का महाबलीपुरम कनेक्शन क्या है, यानी महाबलीपुरम में ही ये मुलाकात क्यों हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़े बड़े बयानों की जरूरत नहीं होती, इसमें तस्वीरों के जरिए ही दुनिया को संदेश दे दिया जाता है। महाबलीपुरम में आपको दोनों नेताओं की मुलाकात की अच्छी तस्वीरें जरूर दिखाई देंगी। यहां प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग को भारत की शानदार सभ्यता और संस्कृति दिखाएंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब दोनों नेता मिलकर बात करेंगे तो उसमें कूटनीति कम और सीधे सवाल ज्यादा होंगे। डिप्लोमेसी में इसे टफ टॉक यानी मुश्किल माहौल में हुई बातचीत भी कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भारत की बात करेंगे, यानी वो मुद्दे जो हमारे देश के लिए जरूरी हैं और जिनका हमसे सीधा संबंध है उन्हें शायद प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर उठा दें। बताया यह भी गया है कि शी जिनपिंग भी भारत को ऐसा ही जवाब दे सकते हैं, यानी इस अनौपचारिक मुलाकात में सख्त सवाल दोनों पक्षों की तरफ से पूछे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस मुलाकात में भविष्य के लिए कोई अच्छी खबर है और क्या दोनों देश आपसी मतभेदों को बुलाकर किसी मुद्दे पर सहमति बना पाएंगे। आपको बताते हैं कि इस मुलाकात का एजेंडा और मुद्दे क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर। कल विदेश मंत्रालय ने चीन को जवाब देते हुए कहा था कि किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात के बाद एक साझा बयान जारी किया गया था जिसमें कश्मीर का जिक्र किया गया था और भारत को यही बात अच्छी नहीं लगी। सूत्रों के मुताबिक महाबलीपुरम में कश्मीर पर शायद कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों के मन में खटास पैदा हो सकती है, इसलिए कश्मीर को अवॉइड किया जाए तो वही अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच आतंकवाद पर बातचीत हो सकती है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग फंड और समर्थन देने वाले देशों पर भी भारत और चीन बात कर सकते हैं। भारत इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद पर बातचीत करने का मतलब यह भी है कि अब चीन को आतंकवाद पर अपना रुख साफ करना होगा कि वो किसकी तरफ है। अब चीन को तय करना होगा कि वो आतंकवाद के साथ है या आतंकवाद के खिलाफ है। एक टीम में रहे यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान का संरक्षक भी बना हुआ है। पाकिस्तान चीन इतना देश देने को राजी नहीं होगा। जो मसूद अजहर का जो केस था, हमने 2009 में लेकर गए थे इसको सिक्योरिटी काउंसिल में, जो इसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट आतंकवादी घोषित किया जाए, और हमको 10 साल लग गए क्योंकि चीन खड़ा था पाकिस्तान के पीछे। ये मैं नहीं समझता हूँ जो पाकिस्तान को वो साथ छोड़, अगर साथ छोड़ना होता तो अभी छोड़ दिया होता, क्योंकि पिछले साल चीन में वुहान समिट के बाद दोनों देशों के बीच ऑल इज वेल नहीं है
और इसकी वजह है 5 ऐसी बातें जो दोनों देशों के संबंधों में रुकावट बन रही हैं, दोनों देशों को खटक रही हैं। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का गठबंधन, जिसे क्वाड कहते हैं। हाल ही में इन देशों ने हिंद महासागर के साथ साउथ चाइना सी इलाके में गश्त लगाने का फैसला किया है। चीन के विदेश मंत्री ने पिछले महीने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत दौरा रद्द कर दिया था। दूसरी वजह दोनों देशों के बीच तीसरा मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश में भारत का युद्धाभ्यास। इसी महीने भारत और चीन सीमा से 100 किलोमीटर दूर भारतीय सेना ने पहली बार युद्धाभ्यास किया है, जो चीन को पसंद नहीं आया। भारत और चीन संबंधों में एक और दिक्कत तब आई जब जम्मू कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस में बंद दरवाजे के पीछे हुई मीटिंग में चीन ने भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया। इसी हफ्ते हिमाचल प्रदेश में तिब्बत की निर्वासित सरकार ने 3 दिनों तक स्पेशल बैठक की, जहां यह तय हुआ कि नए दलाई लामा के चुनाव में चीन को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इससे भी चीन नाराज है। चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए आज चेन्नई में 1000 स्कूली बच्चों ने शी जिनपिंग का मास्क लगाया और मैंडरिन में एक शब्द लिखा जिसका मतलब होता है भारत आपका दिल से स्वागत करता है। आज आपको 63 वर्ष पुरानी एक और तस्वीर भी देखनी चाहिए। वर्ष 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भी इसी शहर यानी महाबलीपुरम आए थे। ये वो वक्त था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। अब भारत और चीन के सदियों पुराने संबंधों का महाबलीपुरम संबंध भी आपको समझना चाहिए। समंदर किनारे बसे प्राचीन मंदिरों के इस शहर महाबलीपुरम को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली है। इस शहर को हिंदू राजा नरसिंह देव बर्मन ने स्थापित किया था। महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है और कहा जाता है कि महाबलीपुरम और चीन के बीच व्यापारिक संबंध 2000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ चीन, फारस और रोम के प्राचीन सिक्के मिले थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ के बंदरगाह से प्राचीन काल से ही दुनिया भर में व्यापार होता था।